Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 3rd March 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is wary. Wary means very caution. मतलब जब आप बहुत सतर्क रहते हो, सावधान रहते हो, चौकन्ना रहते हो, तो उसे ही कहते हैं wary. आप अपने आप को भी वैरी कह सकते हो. अगर आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते या किसी चीज़ पे बहुत सावधान रहते हो, आपकी नज़र चौकसी होती है, किसी भी डेंजरस या सस्पिशियस से आप सावधान रहते हो, तो उसे ही कहते हैं वेरी. सो वेरी मीन्स फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स, और यू कैन से मार्क्ड बाय कीन कॉशन एंड वॉचफुल प्रूडेंस. प्रूडेंस मैंने आपको बताया था ना, मतलब विवेक, जो अपने विवेक से काम लेता है. तो वॉचफुल प्रूडेंस हिंदी में से कहेंगे सावधान रहना या चौकन्ना रहना. वेरी को याद रखने के लिए आप इसको कन्वर्ट वरी से, WORRY, वरी. देखो अगर मैं डब्ल्यू को ए के जगह डबल ओ कर दूँ तो ये हो जाए ना वरी. तो वेरी वरी साउंड भी सिमिलर है. वरी मीन्स जब आप बहुत टेंशन में होता है ना, बहुत चिंता में रहते हो, तो उसे बोलते हैं ना वरी. सो यू बिकम वेरी, मतलब आप बहुत वेरी है, मतलब बहुत चौकन्ना रह रहे हो, सावधान रह रहे हो. बिकॉज इफ यू हैव टू मेनी वरीज इन लाइफ, तो बहुत टेंशन है, चिंता है, तो आप वेरी रहोगे ना, सावधान रहोगे, चौकन्ना रहोगे, ताकि और टेंशन ना बढ़ जाए, तो उसे कहेंगे वेरी. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर ऑनर केप्ट ए वेरी आइज ऑन हिम. स्टोर ऑनर, शायद कोई दुकान में वेरी आइज, मतलब वो सावधान, मतलब कोई होगा उसे, मतलब कुछ उठा उठा ना ले, चोरी कुछ ना कर ले, तो इसलिए वेरी आइज, मतलब सावधान से, चौकन्ना से उसे देख रहा है. ओके, जैसे ये देखो पिक में, शायद यही होगा, तो इसे चौकन्ना से जो देख रहा है, इसका देख रहे ना लुक, मतलब चौकन्ना सावधान से देख रहा है, तो इसे बोलेंगे वेरी. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है वेरीली, एक एडवर्ब एंड वेरीनेस नाउन है. एंड वेरी के सिनोनिम्स है विजिलेंट. विजिलेंट मतलब चौकन्ना होता है ना, विजिलेंट, अटेंटिव, अलर्ट, वॉचफुल, सस्पिशियस. एंड इसके एंटोनिम्स है केयरलेस, मतलब कोई केयर नहीं कर रहे हो, तो केयरलेस, इन अटेंटिव, इन कॉशन, नेग्लिजेंट, रेकलेस. नेक्स्ट वर्ड है कैनवास. आपको शायद पता होगा कैनवास, अगर ये मैं एक एस को हटा दूं तो ये हो जाए कैनवास. कैनवास होता है ना, कोई पर्दा होता है, या जिससे आप मतलब रफली जो यूज़ करते हो, मतलब जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो वो भी कैनवास में बनाते हैं, या किसी चीज़ को ढकने के लिए जो यूज़ करते हैं, कवर करने के लिए जो यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं कैनवास. तो उसका स्पेलिंग होता है CANVAS, वो हो गया कैनवास. बट इसमें क्या डबल एस है, माइंड करना, क्या इसमें डबल एस है, तो इसे बोलते हैं कैनवास. इसका मतलब होता है टू गो टू पीपल टू आस्क फॉर बोट्स कंट्रीब्यूशन सपोर्ट्स. मतलब सिंपली आप पब्लिक से वोट मांगते हो, उनका सपोर्ट मांगते हो, प्रचार करते हैं, तो उसे ही कहते हैं कैनवास. जैसे इस पिक में देख लो, ये जो पब्लिक है, मतलब ये जो है आदमी, ये घर घर जाके पब्लिक से वोट्स मांग रहे हैं, उनके सपोर्ट्स मांग रहे हैं, उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं, या अपना प्रचार भी कर रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं कैनवास. सो कैनवास मीन्स टू ट्राई टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन और वोट्स, और कैन से वोट मांगना या मत मांगना. अब देखो कैनवास को याद रखने के लिए आप इसको कैरेट कैनवास है, अगर मैं इसको एक एस को हटा दूँ तो ये हो जाए ना कैनवास. तो कैनवास जाने, जैसे मैंने आपको बताया, तो जब जब भी कोई इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो कैनवास में अपना अपना प्रचार के लिए, अपना एडवर्टीजमेंट के लिए अपना फोटो ड्रॉ करती है, उसमें कुछ लिख के कि इस पे वोट दो, इस पे मतलब ऐसा कुछ करती है. तो वो जो कैनवास में पिक्चर बना के वो जो सारी का चिपका के वोट करती है, एंड वोट के लिए जो अपील करती है, तो वो होता है कैनवास. तो पार्टी यूज कैनवास, मतलब वो कैनवास यूज करिए एडवर्टीजमेंट के लिए, वो कैनवास मतलब वो प्रचार के लिए अपना वोट्स मांग लेती, कैनवास के यूज करिए कैनवास. ओके, होप आपको समझ आ गया होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू एवरी हाउसेस टू कैनवास वोट्स वोटर्स. जैसे यही देख लो पिक में, ये जो घर घर जाके वोट्स मांग रहे थे, ये को कैनवास. एंड इससे रिलेटेड वर्ड है कैनवास, ये नाउन है, एंड कैनवासिंग एक वर्ब है. एंड इसके सिनोनिम्स होंगे कंसल्ट, सॉलिसिट. सॉलिसिट भी मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना कुछ होता है, सॉलिसिट. कैंपेनियन, स्कैम, इलेक्शनायर. एंड इसके एंटोनिम्स है प्रोटेस्ट, रेसिस्ट, इग्नोर. नेक्स्ट वर्ड है
प्रियम्बल। प्रियम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और स्पीच और एन इंट्रोडक्टरी फैक्टर और सर्कमस्टांसेस। मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट किसी स्पीच का या किसी बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो मतलब एक्सप्लेन करे कि उस बुक में क्या है, मतलब वो पूरा एक्सप्लेन करे उस बुक में क्या है या उस स्पीच में क्या है, तो उसे ही कहते हैं प्रियम्बल। जैसे आपने सिविक्स में या आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका मतलब क्या हुआ? प्रियम्बल मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो बताता है कि पूरा प्रियम्बल में क्या है, मतलब वो पूरा प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे था ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे करके जो प्रियम्बल है पूरा, तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे ही कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल एक्चुअली ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट में यूज होता है। ओके, जैसे मतलब ये जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे ही कहेंगे प्रियम्बल। ये एक्चुअली आजकल एग्जाम में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ये देखने को मिल जाएगा प्रियम्बल, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, तो प्रियम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्शन एज टू लॉ दैट ऑफन गिव द रीजंस फॉर व्हाट फॉलोज, और यू कैन से एन इंट्रोडक्शन टू ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग, हिंदी में कहेंगे प्रस्तावना या भूमिका। और प्रियम्बल को याद रखने आप इसको तीन पार्ट पढ़ लो, प्री प्लस एम प्लस ए बी एल ई। जैसे यही देख लो, प्री मीन्स बिफोर, मतलब प्री बिफोर हो गया, एंड एम को बोलते हैं ना, एम को मैंने किया आई, तो एम आई, एंड बोल मतलब होता है ना बोल, तू बोल, क्या बोल, बोल को मतलब टेल। तो जब कोई स्पीच या सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई लीडर है, वो कोई स्पीच स्टार्ट करने वाला है, तो वो प्रियम्बल मतलब एक तरह से इंट्रोड्यूस करता है, तो वो जो इंट्रोड्यूस करने मतलब स्पीच देने के पहले जो कुछ इंट्रोडक्शन में मतलब कुछ बोलेगा इंट्रोडक्शन में, तो वो बताए कि आगे वो स्पीच में क्या बोलने वाला है, तो वो जो इंट्रोड्यूस करेगा तो मतलब अपने स्पीच को, तो वो बिफोर आई मतलब वो स्पीच देने से पहले बिफोर आई टेल मतलब वो कुछ बोलेगा, तो वो जो इंट्रोड्यूस करने जो कुछ बोलेगा बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर इज प्रियम्बल, तो स्टार्ट करने के लिए जो कुछ स्टार्ट करेगा तो वो होगा प्रियम्बल। फॉर एग्जाम्पल द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसे डायरेक्टली इसी से याद रख लो, okay? आपको तो पता भी होगा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल मतलब जो इंट्रोड्यूस होता है किसी स्पीच का या स्टेटमेंट का, तो उसे कहते हैं प्रियम्बल। तो आप इसे यहीं से करो, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इससे रिलेटेड एक फ्रेज था, ओके, विदाउट प्रियम्बल, प्रियम्बल का मैंने आपको जैसे मैंने बताया जो इंट्रोड्यूस करा है, एंड विदाउट प्रियम्बल मतलब जो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सिंपली विदाउट सेइंग एनीथिंग एल्स फर्स्ट, मतलब उसने कुछ फर्स्ट में कुछ कहा नहीं, तो उसे बोलेंगे विदाउट प्रियम्बल। एंड इसके एग्जाम्पल है ही टोल्ड अस द न्यूज़ विदाउट प्रियम्बल, एंड प्रियम्बल के सिनोनिम्स है प्रिलिमिनरी, प्रोलॉग, इंट्रो या इंट्रोडक्शन, प्रेलूड, प्रीफेस, एंड इसके एंटोनिम्स है क्लोजिंग, खत्म हो रहा है, क्लोजिंग्स, सेसेशंस, फाइनल, कंक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड है प्रीडकमेंट, नेक्स्ट वर्ड इज प्रीडकमेंट। प्रीडकमेंट मीन्स ए डिफिकल्ट और ए कन्फ्यूजन और ए अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब ऐसा कोई कठिनाई भरे सिचुएशन या स्थिति जिसे निकलना मुश्किल हो उसे ही कहते हैं प्रीडकमेंट। जैसे सपोज या जैसे सपोज आपका अरेंज मैरिज फिक्स हो गई हो, ओके, आपके अरेंज मैरिज फिक्स हो गई हो एंड सडनली आपको किसी और से प्यार हो जाता है, तो वो जो सिचुएशन होगा वो आपके लिए होगा प्रीडकमेंट। अब आप अरेंज मैरिज करोगे या पहला प्यार देखोगे, तो वो जो सिचुएशन होगा डिफिकल्ट सा अनप्रेजेंट सिचुएशन होगा उसे ही कहेंगे प्रीडकमेंट। जैसे स्पीक में देख लो, अब देखो ये यहाँ मछली खिला रहा है, ओके, मतलब यहाँ अब ये इधर आएगा, तो ये जो सिचुएशन है इसे कहेंगे प्रीडकमेंट। सो प्रीडकमेंट मीन्स ए डिफिकल्ट और एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, और यू कैन से ए बैड सिचुएशन, हिंदी में इसे कहेंगे कठिनाई परिस्थिति। इसे याद रखने के आप इसको कन्वर्ट प्रोडक्ट से, प्रीडकमेंट, प्रोडक्ट, जैसे किसी फीमेल को प्रिडक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही है, तो वो जो मुश्किल सिचुएशन है किसी फीमेल को प्रिडक्ट करना, प्रीडकमेंट से मैंने किया प्रिडक्ट, तो किसी फीमेल को प्रिडक्ट करना बहुत बड़ी मतलब कठिनाई वाली चीज़ है, तो इसे ही कहेंगे प्रीडकमेंट। तो इसे कहेंगे मैंने प्रिडक्ट से, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द प्रीडकमेंट आई मीन, जैसे मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल में, वो जो अब लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज फंस चुका है, तो उसे कहेंगे प्रीडकमेंट। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है प्रीडकमेंटल, ये एक एडजेक्टिव है, एंड प्रीडकमेंटली एक एडवर्ब है, एंड प्रीडकमेंट के सिनोनिम्स है डिलेमा, मिस, प्लाइट, प्लाइट मैंने आपको एक ये पहले डिस्कस किया करो कि याद होगा, तो प्लाइट, डेडलॉक, क्राइस, एंड इसके एंटोनिम्स है बुन, ब्लेसिंग, एग्रीमेंट, बेनिफिट, सॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है एफ ओ ई, फो, फो मीन्स सिंपली एन एनिमी, मतलब बोले तो
दुश्मन, शत्रु, शत्रु को ही बोलते हैं फो, बट यूजुअली ये मिलिट्री फो होता है, मतलब जो मिलिट्री के अपोनेंट होते हैं, जो मिलिट्री के दुश्मन होते हैं या जो पर्सनल दुश्मन होते हैं उनके लिए यूज होता है फो। ओके, सो फो मीन्स सिंपली एन ए पर्सनल एनिमी, और यू कैन से एन एनिमी और अपोनेंट। और इसका मतलब होता है वन हु इज अपोज टू एन आइडिया, ए काउज और ए थिंग। लाइक इफ यू आर ऑन ए डाइट देन योर देन चॉकलेट मे बी योर फो, तो उसे भी कहेंगे फो। जैसे इस पिक में देख लो, ये जो दुश्मन है, ओके एफ ओ ई फो, मतलब जो फाइट कर रहा है, दुश्मन है, शत्रु है, पर्सनल दुश्मन है, तो उसे कहेंगे फो। हिंदी में कहेंगे शत्रु या दुश्मन। अब देखो फो को आप क्रिएट करो फ्यूड से, जैसे मैंने आपको ये वर्ड डिस्कस किया था फ्यूड। फ्यूड में तो होता है जब कोई बहुत मतलब सालों से कोई फाइट चल रही होती है किसी दो ग्रुप के बीच या किसी दो कम्युनिटी के बीच या किसी दो फैमिली के बीच भी, डिकेड से मतलब 10-20 साल से वो जो खानदानी क्या बोलते हैं, हाँ खानदानी जो फाइट चलती आ रही है, तो उसे कहते हैं फ्यूड। तो आप इसको कन्वर्ट फ्यूड को फो से, ओके फ्यूड फो, मतलब थोड़ा सेम ही, इसमें फाइट है, इसमें भी फाइट ही हो रहा है, बट ये थोड़ा मिलिट्री फाइट होता है या जो पर्सनल फाइट होता है तो उसे ही कहते हैं, या उसका दुश्मन होता है तो उसके फो, तो फ्यूड फो। ओके, ये याद रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ही इज माई फ्यूड, वो आपका दुश्मन होगा, एंड ए पॉलिटिकल फ्यू, मतलब पॉलिटिकल दुश्मन होगा, तो ए पॉलिटिकल फ्यू। एंड गाइज, इसके सिनोनिम्स है एनिमी, एंटी, राइवल, अपोनेंट, एंड इसके एंटोनिम्स है फ्रेंड, हेल्पर, असिस्टेंस, एली, बडी, फेलो, मेट। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेज। नेक्स्ट वर्ड इज रैम्पेज। रैम्पेज मीन्स व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल इज डिस्ट्रक्टिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब जब लोग पूरे गुस्से में वायलेंटली, जैसे स्पीक में देख लो, मतलब जब लोग किसी पॉलिटिकल डिसीजन पे के विरुद्ध होते हैं तो वो जो राइट्स करते हैं वायलेंटली, जो राइट्स करते हैं वायलेंटली, जो मतलब तोड़फोड़ करते हैं, तो उसे ही कहते हैं रैम्पेज। रैम्पेज जैसे ये देखो पिक में, मतलब ये जो सब लोग साथ में निकल के तोड़फोड़ करते हैं, भगदड़ करते हैं, हल्ला मचाते हैं, हंगामा करते हैं, तो इसे ही कहते हैं रैम्पेज। रैम्पेज एक पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली ये मोव के लिए यूज होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता है, तो उसे ही कहते हैं रैम्पेज। जैसे मैं ये देखो पिक में, सो रैम्पेज मीन्स मूव थ्रू ए प्लेस, मूव थ्रू ए प्लेस, मतलब किसी स्ट्रीट से या किसी गली से मूव थ्रू ए प्लेस इन ए वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड मैनर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। हिंदी में से कहेंगे भगदड़ या हंगामा मचाना। अब देखो रैम्पेज को याद रखने, आप इसको रैम प्लस पेज, रैम रैम नहीं, राम प्लस पेज। तो सपोज, बस याद रखने के लिए, सपोज राम कोई गैंगस्टर है, राम कोई गैंगस्टर या कोई डॉन है, एंड उसका किसी ने पेज को फाड़ दिया, ये कोई नॉर्मल पेज नहीं था, उसका कोई प्रॉपर्टी का पेज था, तो राम जो गैंगस्टर है या डॉन है उसका किसी ने प्रॉपर्टी पेज फाड़ दिया, तो वो अब अपने ग्रुप के साथ यही रैम्पेज करेगा, मतलब वो ग्रुप से के साथ निकलेगा, रोड में हु हल्ला करेगा, हड़कम मचाएगा, तो उसे कहेंगे रैम्पेज। तो राम का किसी ने पेज फाड़ दिया तो वो रैम्पेज करेगा, बस याद रखने के लिए, थोड़ा फनी है बट याद रखने। ओके, इफ समवन टर्न राम पेज देन ही वेंट ऑन द रैम पेज। फॉर एग्जाम्पल राइटर्स रैम पेज थ्रू द स्ट्रीट इन द सिटी, जैसे इस पिक में देख लो जो राइटर्स है मतलब इसे स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, तो ये होगा रैम पेज। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है रैम पेज, एक नाउन है, एंड रैम पेजस एक एग्जेक्टिव है, एंड रैम पेजियसली एडवर्ब है, एंड रैम्पेज के सिनोनिम्स होंगे डिस्ट्रक्शन, फिंची, फिंची मैंने आपको ये डिस्कस किया अगर आपको याद होगा तो। गाइस वीडियो के लास्ट में आपको जो यहाँ आई आइकन मिल रहा होगा ऊपर में, आप उसमें क्लिक करना, तो जितने भी वर्ड्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिसके जो वर्ड सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते हैं, जो वर्ड मैंने पहले डिस्कस किए हैं, अगर आपको नहीं याद होता है तो आप वो आई पे, आई आइकन पे क्लिक करना वीडियो के लास्ट में, तो आपको लिस्ट आ जाएगा जो मैंने वर्ड्स पहले डिस्कस किए हैं, एंड आपको उसका अगर मीनिंग नहीं याद है तो, अगर याद है तो वो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो आप वहाँ से रिवाइज कर लेना वीडियोज देखे, ओके एग्जाम्पल से आराम से अच्छे से देखे आपको याद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है रेज। रेज मतलब होता है क्रोध, मतलब क्रोध या गुस्सा कहीं बोलते हैं रेज। टर्मवाइल, जैसे ये भी वर्ड मैंने डिस्कस किया, टर्मवाइल, बॉयल, सरफेस, अगर आपको याद होगा तो बॉयल, टर्मवाइल, ओके। एंड इसका एंटोनिम्स है काम, पीस, क्वाइट, हारमोनी। नेक्स्ट वर्ड है RASH, रास। रास मीन्स इम्पल्सिव एंड वाइल्ड डिसीजन,
मतलब जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, उसका क्या फ्यूचर में क्या उसका इफेक्ट होगा बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, उसे ही कहते हैं रैश। रैश का एक्चुअली और एक मीनिंग होता है, शायद आपको पता ही होगा, रैश मीन्स जो स्किन में नहीं होता है, रेड रेड स्पॉट हो जाता है, उसे ही बोलते हैं रैश। जैसे स्पीक में देख लो, जो स्पॉट मतलब दाग दाग हो जाता है रेड रेड खुजली कारण या ऐसा कुछ भी, तो इसे ही कहते हैं रैश। रैश के दो मीनिंग हो गए, ओके। सो रैश मीन्स डूइंग समथिंग क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट व्हाट विल हैपन एज ए रिजल्ट। तो उसका क्या रिजल्ट होगा, भाई बिना सोच समझे जल्दी से क्विकली कोई डिसीजन ले लेना, उसे बोलेंगे रैश। ये एज ए एग्जेक्टिव यूज होगा, एंड जब ये एज ए नॉन यूज होगा तो मतलब होगा ए लॉट ऑफ स्मॉल रेड स्पॉट ऑन द स्किन, जो मतलब रेड स्पॉट खुजली जैसा हो जाता है, तो उसे बोलेंगे रैश। हिंदी में से बोलेंगे जल्दीबाजी, मतलब जल्दबाज या जल्दीबाजी। और दूसरा जिसको मीनिंग बताया मैंने, लाल चटके। फॉर एग्जाम्पल द बेबी हैज ए स्किन रैश, जैसे ये पिक में। एंड नेक्स्ट इज डोंट बी रैश अबाउट दिस डिसीजन, टेक योर टाइम, मतलब जल्दी जल्दी डिसीजन मतलब टेक योर टाइम, आराम से लो। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है रैशली, एक एग्जेक्टिव, एंड रैशनेस एक नाउन है। एंड रैश के सिनोनिम्स है इरैशनल, रेकलेस, हैस्टी, थोरोलेस, वाइल्ड, फ्यूरियस। एंड इसके एंटोनिम्स है कॉशन, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट भी ये भी वर्ड मैंने डिस्कस किया था, याद होगा तो, डिस्क्रीट, वाइज, रीजनेबल, थॉटफुल। सो गाइस अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वर्ड्स। तो मैंने 7 वर्ड्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वर्ड था वेरी। वेरी मतलब चौकन्ना रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना को बोलते हैं वेरी। जैसे ये देखो, ये जो शॉपकीपर था, कोई पर्सन आया था, उस पर बहुत चौकन्ना नजर था, जैसे स्पीक में ही देख लो, तो इसे कहेंगे वेरी। तो इसको मैंने क्या रिया वरी से, जब आपको बहुत चिंतन रहता है, टेंशन रहता है, तो आप वेरी कर रहते हो। नेक्स्ट वर्ड था हमारा कैनवास। कैनवास मतलब लोगों को जा जाके अपने वोट्स के लिए, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए, वोट्स के लिए प्रचार करना, या उनका सपोर्ट मांगना, उनका कंट्रीब्यूशन मांगना, वोट मांगना बोलते हैं कैनवास। तो इसको रिलेटेड करो कैनवास से ही, ओके। कैनवास जो कोई मतलब वोटर्स क्या करते हैं इलेक्शन के पहले, वो मतलब जो पोस्टर लगा के, फ्लैक्स लगा के जो एडवर्टीजमेंट करते हैं कैनवास के लिए, तो उसे बोलेंगे कैनवास। नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट या स्पीच या किसी बुक का या किसी फैक्ट का, तो उसे बोलते हैं प्रीएम्बल। ये एक्चुअली नॉर्मली ये लीगल सेंस में या फॉर्मल डॉक्यूमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रिडिकमेंट। प्रिडिकमेंट मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे निकल पाना मुश्किल हो, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में, तो वही होगा प्रिडिकमेंट। जैसे कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, तो उसे कहें प्रिडिकमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा फो। फो मीन्स कोई एनिमी, आपको कोई पर्सनल दुश्मन या शत्रु कोई बोलते हैं फो। ये नॉर्मली यूज होता है मेनली, मतलब मोस्टली यूज होता है मिलिट्री फो के लिए, मतलब मिलिट्री के जो ओपोनेंट होते हैं तो उसके लिए यूज होता है फो। नेक्स्ट वर्ड था हमारा रैम्पेज। रैम्पेज मतलब भगदड़ मचाना, जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल निकल के भगदड़ मचाते हैं स्ट्रीट में, हंगामा करते हैं, जैसे आप इस पिक में देख रहे होंगे, तो इसे ही कहते हैं रैम्पेज। नेक्स्ट वर्ड था हमारा रैश। रैश मतलब किसी को जल्दी जल्दी कुछ डिसीजन ले लेना बिना सोचे समझे, उसको फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा उसके बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेने को बोलते हैं रैश। और एक रैश का मतलब जो आपको मैंने बताया, जो स्किन में रैशेज हो जाते हैं, तो वो होगा रैश। सो गाइस अब एक बार आप वीडियो पॉज करो और जितने मैंने वर्ड्स डिस्कस किए हैं 7 वर्ड्स, आप उसे भी रिवाइज कर लो, ओके। 7 वर्ड्स से आप एक बार रिवाइज कर लो, ट्रिक के साथ रिवाइज कर लो, या जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं तो उसके साथ रिवाइज कर लो, ओके। डैकली वर्ड्स को उसके साथ रिवाइज कर लो, ओके। एंड जो मैंने वर्ड्स प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, आप उसे भी रिवाइज कर लो। रिवाइज ही तो अच्छा है, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे वर्ड्स तो याद रहेगा ही नहीं। जितने भी ट्रिक्स के पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, जैसे ही पढ़ लो, कोई मतलब कोई चांस नहीं कि वो याद रहेगा इसको, जब तक आप 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक। तो आप इसे भी जो मैंने प्रीवियस वर्ड वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसे भी रिवाइज करो। टर्मोइल जैसे मैंने देखो बताया ना, टर्मोइल जो मैंने डिस्कस किया अभी, वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में था टर्मोइल, अगर याद होगा आपको, तो ऐसे वर्ड्स आपको रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, ओके टर्मोइल। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in my next video.